संपन्न हो चुके हैं। मतगणना 10 मार्च को होनी है, जिसमें शांतिपूर्वक मतगणना संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क दिखाई दे रही है और हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी करवाए जा रहे हैं, जिसमें जिलाधिकारी संजीव रंजन एवं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने स्ट्रांग रूम पहुंचकर मतगणना हॉल का निरीक्षण किया और तैनात पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और किसी को भी एंट्री बिना परमिशन के नहीं दी जाए, जिसमें के न्यूज़ के संवाददाता रई सलवी ने खास बातचीत की पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा से। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाते हैं। पास है यहाँ डीएम और एसपी चक्रेश मिश्रा जी ने जो यहाँ पर निरीक्षण किया है, किस तरह की 10 मार्च को लिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम लेंगे, किस तरह के यहाँ पर जो मतदाताओं को और जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से एंट्री करेंगे, कौन से रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है, सारी जानकारी हम एसपी साहब से लेना चाहेंगे। सर, जो मतगणना हॉल यहाँ पर बनाए गए हैं, इसी के अंदर स्ट्रांग रूम है, इसमें जो 3-लेयर सिक्योरिटी जैसा माननीय चुनाव आयोग का निर्देश है उसके अनुसार यहाँ पर पहले से चली आ रही है, जो पार्टियों के जो एजेंट हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और इसके साथ में जब 10 तारीख को मतगणना होगी उस दिन हम लोगों ने डायवर्जन रूट का रखा हुआ है, सामने से हाईवे जाता है तो उसका रूट यहाँ से पहले के चौराहों से डाइवर्ट रहेगा, उसकी एडवाइजरी अखबार में और मीडिया के माध्यम से एक दिन पहले पब्लिक के लिए प्रसारित की जाएगी। इसके साथ में यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, साथ में सीएपीएफ भी तैनात किया गया है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जैसे चुनाव कराया गया था उसी प्रकार से मतगणना संपन्न कराई गई। बाराबंकी जिले के